Thank you, thank you. Namaskar, good evening. Welcome to Tata Ace Gold presents Zindagi ke Crossroads. जैसे कि आप सब जानते हैं इस देश में हम सब भगवान को बहुत मानते हैं भगवान की बहुत पूजा करते हैं इनफैक्ट सिर्फ भगवान की नहीं हम लोग लगभग हर चीज की पूजा करते हैं फॉर एग्जांपल सूर्य हमको जिंदगी देता है तो हम सूर्य की पूजा करते हैं धरती हमें अनाज देता है हम धरती की पूजा करते हैं हम नदियों की पूजा करते हैं पेड़ों की पूजा करते हैं यहां तक कि पत्थर को मूर्ति बनाकर हम पत्थर की भी पूजा करते हैं सब ठीक है लेकिन जब हम किसी इंसान की पूजा करने लगे तो क्या होता है आज की कहानी कुछ ऐसी है कहानी शुरू करते हैं फिर इस विषय में बहुत सारी चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं मुंबई अगला बॉलर हैदराबाद की तरफ से साइमन गुडविल साइमन ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है राहुल सिंह बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है ये कहा जा सकता है कि वो अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं और साइमन ने बहुत अच्छी गेंद फेंकी है तीन गुण ये सच है आपकी मनपसंद जीवन मित्र पॉलिसी ये बस्ती जो बरसों पहले यहाँ पर बसी थी हर सरकार ने इनसे वादा किया कि ये जमीन उनके नाम पर कर दी जाएगी आज अचानक इलीगल कर दी गई है ये लोग बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन फिर भी ये जमीन गैर कानूनी करार कर दी गई है लो बच्चों मुंह मीठा करो एक खुशखबरी है कैसी खुशखबरी पापा पहले भूतों मीठा करो नहीं पहले खुशखबरी पहले मुंह खोलो बताइए ना पापा सत्यशील कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में तुम्हारा एडमिशन हो गया रियली पापा ओफो विशु डॉक्टर बनेगा बाबा ने पर्सनली तुम्हारा एडमिशन किया है मैनेजमेंट कोटा से मतलब बहन रिपोर्टर और भाई डॉक्टर ये गुड न्यूज ना मैं अपने सभी दोस्त को दे के आता हूँ आप मुझे एडमिशन लेटर दीजिए प्लीज बेटा जिनकी वजह से एडमिशन हुआ है उनका आशीर्वाद तो लो पापा चलिए मैं चलता हूँ ठीक है आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा सीरियसली पापा आज बहुत दिनों बाद आपको इतना खुश देखा है एक बात तो है एक बार हम भगवान के घर से भी शायद खाली हाथ लौट आए बाबा के दर से नहीं बेटा तुम शाम को बाबा जी के दर्शन करते हुए आना और उनसे आशीर्वाद भी लेके आना पक्का पापा तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया पापा तब बाबा जी ने हाथ थामा इन्होंने अपने आश्रम में मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दी मुझे जीने की सही राह दिखाई बेटा तुम्हें देर हो रही होगी तुम डोंट वरी पापा मैं तो रेडी हूँ बस 5 मिनट में ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी अरे बैठो तो सही बहुत खुश लग रही हो हाँ सर वो एक्चुअली आज छोटे भाई का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है बाबा जी के मेडिकल कॉलेज में सत्यशील कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस वेरी गुड कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच सर चलो एक और खुशखबरी सुनाता हूँ तुम्हें मैनेजमेंट तुम्हारे काम से बहुत खुश है तुम्हें एक अवार्ड भी मिल सकता है आई हैव रिकमेंडेड योर नेम सर ओनली नीजा ऑफ कोर्स आई शी डिजर्व्स इट उसकी रिपोर्टिंग देखी है तुमने उसके टीआरपी देखे हैं तुमने थैंक यू सर बट इतना भी कुछ पाथ ब्रेकिंग नहीं किया है मैंने तो सिर्फ सिंसियर रिपोर्टिंग की है बाबा जी से सिर्फ एक ही चीज सीखी है जो भी काम करो ऑनेस्टली करो जिससे किसी का भला हो सके Spirit of true journalism. Just doing my duties, sir. भाई, news कुछ भी हो, हमारा channel number one रहना चाहिए. तो अब नीजा मैं तुम्हें तुम्हारी अगली assignment देने वाला हूँ. बहुत important है. I hope you do it in the right spirit. Yes, sir. Sir, किसी film star को कोई scandal है? नहीं पर sting operation है.
किसी लीडर का सम सेक्स स्कैंडल। गौरी तुम्हें तो सीरियस हो जाएगा, ये सब मत क्या कर यार। ये है तुम्हारा अगला असाइनमेंट। इनके अगेंस्ट स्टिंग ऑपरेशन। देखो नीजा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पूरी फैमिली बाबा जी की फॉलोअर है, तुम्हारे फादर इनके साथ काम करते हैं, और अभी भी तुमने बताया कि तुम्हारे भाई का एडमिशन भी इन्हीं की ब्लेसिंग से हुआ। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये असाइनमेंट करो, क्योंकि तुम आसानी से बाबा जी के पास पहुंच सकते हो। लेकिन सर वहां पर कोई गलत काम नहीं होता है। गलत काम हो रहा है या नहीं ये तो पता लगाना हमारा काम है। अच्छा, वाह बाबा जी। हमें एक सोर्स से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है कि बाबा जी के आश्रम में गलत काम हो रहा है। नो सर, इट्स इम्पॉसिबल। निजब कितने बाबाओं के असली चेहरे हमारे सामने आए, आज जेल में सड़ रहे हैं सब। सिट, बैठो। देखो निर्जा, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ सबूत चाहते हैं सच साबित करने के लिए, और ये एक जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। I'm sorry sir, मैं ये स्टोरी नहीं कर सकती। देखो अगर तुम नहीं करोगी तो कोई और चैनल कर देगा, और मैनेजमेंट इस तरह की हाथ आई स्टोरी को जाने देगी नहीं। प्रॉब्लम क्या है? अगर ये रिपोर्ट गलत निकली तो जो सच है हम वो लोगों को टेलीकास्ट करेंगे ना, तुम लोगों के सामने वो लेकर आओगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, ये जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को सौंप रहा हूं, एंड दिस इज एन ऑर्डर। थैंक यू सर। नीरजा चुप क्यों है? सी, बॉस की बात गलत तो नहीं है, और तू हमेशा सही रिपोर्टिंग ही करती है, तो फिर ना क्यों बोल रही है? नीरजा को मिला है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उसके अपने विश्वास के खिलाफ है। अब नीरजा को बाबा जी के प्रति अपने विश्वास को टेस्ट करना चाहिए या नहीं। सर, 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 सर। कौन शुरू करना चाहेगा? उनको माइक दो। हाय, आपकी तारीफ। वैसे नाम गरिमा गुप्ता है। हाँ जी, और आप कहाँ से? जी जी बुलाते हैं, और मैं एक और जी जगह से यानी कि गोवा से हूँ। अरे वाह, ओके, प्लीज बोलिए। मुझे लगता है करनी चाहिए, अगर बाबा जी सच हैं और अगर उनको उतना विश्वास है तो स्टिंग ऑपरेशन करके वही सच बाहर लाएं। ओके, थैंक यू। हाँ, उनको माइक दीजिए प्लीज। हाय, आपका नाम? हाय, मेरा नाम विजेता है, मैं पुणे से हूँ। बोलिए। उन्होंने एक्चुअली अपने पिताजी से बात करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको कोई दुविधा है तो आपने हमेशा अपने बड़ों से सलाह लेनी चाहिए उस बात के लिए, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ओके। हाय, व्हाट्स योर नेम? हाय सर, मेरा नाम निहल पांडे है। बोलिए नेहा जी। कई बार जब हम अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं ना, तो हम दुविधा में होते हैं, पेरेंट्स या प्रोफेशन, और दोनों में जिसको भी हम चुनते हैं हार हमारी ही होती है। इन्हें पिताजी की इस मामले में राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि श्योर है कि वो उनका साथ नहीं देंगे। ये तो जॉब अभी लगी है, हमको रहना तो फैमिली के साथ है, तो क्यों हम लोग फैमिली को मतलब छोड़ के हम सिर्फ अपने जॉब के बारे में कैसे सोच सकते हैं? यार ये वैलिड पॉइंट है। उन्होंने बाबा जी को फॉलो किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बाबा जी के आशीर्वाद से बहुत कुछ उन्हें मिला, लेकिन
उनका जो प्रोफेशन है, उनका टैलेंट है, उनके बॉस ने भी बोला कि आपके अंदर वो चीज है जिसकी वजह से हमारी टीआरपी बढ़ रही है। अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो टैलेंट एक कंपनी में नहीं होगा, वो टैलेंट वो बाद में किसी और कंपनी में भी यूज कर सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नीरजा और उसकी फैमिली इतना ज्यादा बिलीव करती है किसी भी बंदे में, तो उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे वो भी सही प्रूव हो जाएंगी, उनका बिलीफ भी सही प्रूव हो जाएगा, उनके फादर, उनका जो भाई है, वो सब सही प्रूव हो जाएंगे और बाबा जी की इमेज और इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे आप लोग बोल रहे हैं, अगर मेरी बेटी मेरे खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है कुछ, और अगर मुझे पता चल जाए, मैं बहुत हर्ट होऊंगा कि तूने मुझे डाउट किया, आई मीन यू। ये सोच के नीरजा अगर हेजिटेट करे तो इसमें क्या गलत है? मुझे नहीं लगता आपको बुरा लगना चाहिए सर। अरे क्यों नहीं लगे यार? क्यों नहीं लगना चाहिए? मैं रीजन दे रहा हूँ सर, सॉलिड रीजन दे रहा हूँ। क्या आपने अभी तक अपनी बेटी के आगे अपनी इमेज आपने झूठ से बनाई है? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं बनाई है ना? तो फिर आप किस बात का डर रहे हो? डर किस बात से आपको? और दूसरी बात सर, जैसे कि आप कह रहे थे कि बाबा जी ने एडमिशन करवाया, आपको 1% भी लगता है कि ये किसी की कृपा से होता है काम? वो लड़का पढ़ा, एग्जाम दिया, एडमिशन दिया, जॉब मिली, इसमें किसी की कृपा से कुछ सर, हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता 1%। बेटा का कृपा नहीं होएगी। मैं भी एक बाबा जी को मानती हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जब मैं टूट गई, जैसे इनकी कहानी दिखाई पापा की जी, मेरा भी एक नया जीवन वही कृपा से ही शुरू हुआ मेरा। आज मेरे बच्चे जहाँ स्टैंड है जी, बड़ा बेटा इतनी अच्छी जॉब में, कृपा से ही है। मैं तो कृपा ही कहती हूँ। मेरी बेटी चंडीगढ़ में मतलब इतनी अच्छी फैमिली में शादी हुई, हमको यकीन नहीं था कि शादी ऐसे घर में जाएगी, तो ये कृपा ही है हमारे बाबा जी की। मैं नहीं जानता आप किस बाबा के लिए बोल रहे हो, मगर ज्यादातर बाबा ऐसे ही होते हैं। आपके सामने इमेज अच्छी दिखाएगा कि मैं ये हूँ, मैं वो। देखिए बेटा, इंसानों में 10 लोग अच्छे हैं तो एक खराब भी होता है। वैसे 9 खराब होते हैं, एक सही होता है मेरे हिसाब से। सब बाबा को एक लाइन पे नागे नहीं खड़ा कर सकते कि एक बाबा जी के चक्कर में हम सारे बाबा जी को। मैम जितने भी बाबा है आप सबको देख लो, जितनी प्रॉपर्टी जितना पैसा है उनके पास, वो कहाँ से आ रहा है? अभी तो वो चला रहे हैं। एक मिनट गाइस, एक मिनट सर। हाँ जी, हाँ जी मैम, एक मिनट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा है, मैं बॉम्बे से हूँ। आप बोलिए निशा जी। हाँ सर, मैंने बहुत से बाबा ऐसे भी देखे जो बोलते हैं 4 गुलाब जामुन खा लो, कल आप पे कृपा आ जाएगी। वो हम सब जानते हैं, इस पे भी विश्वास कर रहे थे कि 4 गुलाब जामुन खा लेंगे और कल उन पे कृपा आ जाती है। हम ही बेवकूफ लोग होते हैं जो उनके पास भी चले जाते हैं, जो ऐसे बेवकूफ बना रहे होते हैं लोगों को कि आप समोसा गुलाब जामुन खाओ या एक्सरसाइज। इससे भी हटके जो अच्छे भी भाषण देना जानते हैं ना, उनके पास भी हम जैसे बेवकूफ लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि वो अपनी बातों में ले लेते हैं। कौन कौन अभी भी ऐसा मानता है कि उसे ये स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए और कौन कौन मानता है कि उन्हें नहीं करना चाहिए स्टिंग ऑपरेशन? हाँ जी, इनको दीजिए माइक प्लीज। मैं डॉक्टर बीना बुदकी हूँ, कश्मीर से हूँ। ओके बोलिए। बाबा जी जो है वो अपने आप में अवतार नहीं है और ना ही भगवान है, वो एक इंसान है जिसने थोड़ी सी अपना दिमाग यूज किया, थोड़ा सा अपना ये करके वो जब बाबा बन जाता है, उस स्टेटस पे जब वो पहुंचते हैं, तो उनके पीछे बहुत सी शक्तियां भी आती हैं, उनके पीछे बहुत से इंडस्ट्रियल्स आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं और बहुत से लोग आते हैं, और अपने उन पैसों से, अपने उन अधिकारों से वो लोगों को न्याय दिलाते हैं, लोगों को चीजें दिलाते हैं। वो अपने से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, लेकिन वो इतनी प्रोपेगंडा और ना ही उनके इतने बड़े आश्रम होते हैं, वो किसी कुटिया में बैठे होते हैं। और जो ये दूसरी बात आज इसमें दिखाई गई कि उसकी कृपा से, इसकी कृपा से, कृपा व्यापार जो है वो होती है तकदीर की और अपने कर्मों की। एक मिनट आप बोलिए प्लीज। सर ये कह रहे कृपा नहीं होती है। एक हफ्ते पहले ही मैं अभी दरबार होके आई थी, मैं बाहर निकली तो मेरे जो बाबा जी, जो एक बाय हमारे में बाई जी कहते हैं उनको, वो कहते हैं वापस, उन्होंने बुलाया कि रश्मि वापस आई है आप जरा एक मिनट। तो उन्होंने मेरे को एक प्रसाद का डब्बा दिया, आप लोग के लिए शायद ढोंग होगा, किसी के लिए सबके लिए मजाक होगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी विश्वास की बात थी। उन्होंने बुलाया कि आप जाके अपने हस्बैंड को ना ये एक टुकड़ा खिलाना। तो मैं आई घर में, उनको मैंने आते बोला पहले ना आपको पता नहीं क्यों मेरे को वापस बुला के उन्होंने दिया है, तो आप एक खा जरूर लेना।
हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड के हाथ के ऊपर कांच का ऊपर का पूरा कांच का पूरा पोर्शन गिर गया ऐसे। अच्छा। और स्लोप करके नीचे गिर गया। आप मानोगे एक कांच का खून का एक दाग नहीं था। ये कट जाता या टांग चली जाती उस दिन, मगर मेरा विश्वास था, कृपा थी ये मेरे गुरुमा जी की कि उन्होंने बचाया। इसे कहते हैं टूट विश्वास। क्या विश्वास पर हम इसलिए सवाल नहीं उठाते क्योंकि इससे विश्वास टूटने का डर होता है? आइए देखते हैं नीरजा क्या करती है, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो मैं बॉस को जाके बोल रही हूँ तू ये स्टोरी नहीं करेगी। रुक गौरी, मैं ये स्टोरी करूंगी। रियली? हाँ गौरी, मैं ये स्टोरी करूंगी और सर को ये साबित कर दूंगी कि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है वो गलत है, वो भी प्रूफ के साथ। और उन्हें ही क्यों, मैं पूरी दुनिया को ये साबित कर दूंगी कि सत्यशील बाबा जी और पापा जी की तरह नहीं है। सुमिचन, बाबा जी प्रणाम। कल्याण मस्तु। निर्जा बिटिया भी आई है, बहुत दिनों के बाद देखा तुम्हें। इसका यहाँ आना हो ही नहीं पाता है ना, वो नौकरी ऐसी है बाबा जी इसकी। नमस्ते बाबा जी। कल्याण मस्तु बेटा। बाबा जी ये मेरी फ्रेंड है गौरी। प्रणाम बाबा जी। ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे तुम पर। बाबा जी वो गौरी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करना चाहती थी, आप अगर इसे गाइडेंस दे देते तो। भगवान पे भरोसा रखो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ आप दोनों मेरे साथ मेरे कक्ष में आओ, दीपक जलाने का समय हो गया है। जी बाबा जी। जाओ बेटा जाओ, मैं अपना काम करके आता हूँ। बाबा जी। हाँ। वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी अकेले में। ठीक है गौरी बेटा, आप अंदर जाइए मेरे कक्ष में बैठिए। रुकिए मुझे आपका बैग चेक करना होगा। उसकी आवश्यकता नहीं है, ये सुमित चंद जी के परिवार से ही है। हाँ बेटी बताओ। वो एक्चुअली उसके फैमिली में कुछ हो गया था, उसकी शादी होने वाली थी और वो शादी टूट गई। अगर आप गौरी से बात करने की कोशिश करेंगे शायद वो आपसे इस बारे में बात ना कर पाए। मुझे लगता है कि आपको उसे किसी और तरीके से समझाना होगा। चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। धन्यवाद बाबा जी। हाँ गौरी। हाँ नीरू, कुछ मिला क्या फुटेज में? नहीं यार, उल्टा मुझे तो नींद आ रही है। इन सब बातों से एक बात का रिलीफ है कि बाबा जी ने कुछ नहीं किया।
अब तो सर को भी मानना पड़ेगा कि बाबा जी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। इससे अच्छा तो किसी पॉलिटिशियन पर स्टिंग करते तो मजा आता। शट अप या गौरी, चलो के बाय बाय। ये क्या है, ये क्या किया तुमने? इसलिए उस दिन बाबा जी क्या मिलने आई थी? पापा वो चैनल ये चैनल वैनल का मुझे नहीं पता। तुमने विश्वासघात किया है बाबा जी के साथ। मेरे बारे में भी नहीं सोचा तुमने? बाबा जी के लाखों भक्त हैं, लाखों, उन पे इसका क्या असर होगा एक बार भी सोचा तुमने? अरे विश्वासघात तो हमारे साथ हुआ है, और कितने भक्त हैं उनके जो आज भी उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। चुप! तुम होती कौन हो उन पे कोई भी लाचन लगाने वाली? मुझे चुप कराने से ना सच नहीं बदल जाएगा पापा। दुनिया के लिए पापा, बाबा जी एक ब्रह्मचारी हैं। गलत वो है, मैं नहीं। मैंने कहा चुप, चुप! हमारा घर उनकी वजह से चलता है, कितने परिवारों को सहारा है उनका, हर रोज वो कितना दान देते हैं जानती हो तुम? मैं उनके अकाउंट्स देखता हूं, मैं जानता हूं। उनके भक्त जो कुछ भी लाकर देते हैं उन्हें, वो कुछ नहीं रखते, सब चैरिटी में दे देते हैं। अब तक उन्होंने 23 स्कूल और 19 अस्पताल बना दिए, अनगिनत लोगों की जिंदगी बदली उन्होंने। तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज चाहिए थी, यही ना, ताकि तुम्हारा नाम हो सके, भले ही उसमें किसी और का नाम खराब हो जाए। नहीं पापा, मुझे ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहिए थी। उल्टा मैं तो ये प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी कि बाबा जी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो एक और जिंदगी भी जी रहे हैं, वो भी ऐसे सीक्रेटली। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है, एक अवगुण होने से कोई बुरा नहीं बन जाता। तुम सिर्फ उन्हें बदनाम नहीं कर रही हो, उन पर भरोसा करने वाले लाखों लोगों के विश्वास को तोड़ रही हो तुम। करो, करो जो कुछ करना है तुम्हें, मैं कौन होता हूं तुम्हें रोकने वाला, करो। वीडियो में बाबा का सच है, लेकिन नीरजा और उसके परिवार पर बाबा का एहसान है। क्या करना चाहिए नीरजा को? सर, सबसे पहले उनसे पूछना चाहूंगा। जी मैम। हाँ जी। आपको सर, क्या लगता है? जो चीज अब सच्चाई दिखाई वो तो दिखानी है इसको, जर्नलिज्म के हिसाब से। बाकी हर बाबा ऐसे नहीं होते, ये कहना मेरा अभी पक्का है मेरा। ओके ओके सर। सो है मैम, आपका नाम? मेरा नाम माधुरी त्रिपाठी है। ओके बोलिए। इसमें नीरजा ने जो किया, अगर नीरजा की जगह सपोज मैं होती तो मैं भी वही करती। अगर उसने स्टिंग ऑपरेशन किया तो उससे बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी, जो लोग अंधाधुंध उनकी भक्ति करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, ताकि वो दूसरों को और एक्सप्लॉइट ना कर पाए। ओके एक मिनट, सबसे पहले मैं ये पोल लेना चाहूंगा, कौन कौन सोचता है कि उसे ये स्टिंग ऑपरेशन सबको बताना चाहिए? ओके, और कौन कौन सोचता है कि नहीं बताना चाहिए? बोलिए, आपको क्यों लगता है कि नहीं बता? अब माइक प्लीज। अभी जितना पता चला है वो नहीं बताना चाहिए, या और थोड़ा ढूंढे फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। इसमें उनकी वो सिर्फ पर्सनल अर्ज पूरी कर रहे हैं, उन्होंने जनता के विश्वास का या पैसे का या जिस चीज के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं वो चीज का विश्वास नहीं टूटा है। अगर वो दोबारा दूसरी औरत के साथ करें तब वो गलत होगा।
एक उनकी पर्सनल अर्ज अगर है वो इंसान गलत नहीं आप डिक्लेयर कर सकते हैं आप और स्टे करिए ब्रह्मचारी नहीं एक मिनट हाँ जी बोलिए आपका नाम सर मेरा नाम गोल्डी बेदी है मैं पंजाब मोगा से आई बोलिए सर गलती तो गलती होती है चाहे एक कर लो चाहे हजार कर लो अच्छा मुझे एक बात बताओ गलती क्या हुई है सर रात को लड़की बुलाता है तो गलत ही है ना वो बंदा अभी तक क्या हरकत देखी आपने सर देख तो लिया बेडरूम में क्ले और क्या देखे भी आप बताइए सर गलती तो गलती है ना इंसान एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप कुछ दूसरी फिल्म देख रही है क्या सर जैसे आप बोल रहे हो ना उनका आपने क्या देखा जी जैसे हमारे पंजाब में बोलते हैं जप्पी 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 में फर्क होता है वो बेटे से भी एक औरत डालती है हस्बैंड से भी डालती है भाई से भी डालती है हर चीज में फर्क होता है इंसान को पता लग जाता है कि वो क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है साधु संतों का काम होता है सच्चाई दिखाना और सामने लाना और सच्चाई जो बंद कमरे में कभी नहीं होती ओपनली होती है अध्यात्मिक जो सा ओके अभी लगभग सभी ने अपना माइंड तो बना लिया है तो अभी असलियत दिखाते हैं क्या करेगी नीरजा एक सच्ची जर्नलिस्ट होने का फर्ज निभाएगी या एक भक्त होने का देखते हैं फिर आगे बहुत बातें करें आश्चर्य हो रहा है ना कि ये पेन ड्राइव मेरे पास आया कैसे ये वही पेन ड्राइव है जो तुमने गौरी को दिया था कभी कभी आंखों देखी भी सच नहीं होती यह है हेमा मेरी पत्नी बरसों पहले मैंने समाज के लिए कुछ करने का प्रण लिया था मैंने सोचा मैं संत बनके समाज की सहायता श्रेष्ठतम कर पाऊंगा लेकिन अगर मैं दुनिया के सामने विवाहित स्वरूप में आता तो मुझ पर कौन भरोसा करता हाँ मेरा अपराध इतना है कि मेरे भक्त ये नहीं जानते कि मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन नहीं किया अगर तुम ये सोचती हो कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ सच छुपाना भी पड़ता है ये बात भी गलत है तो फिर जाहिर कर दो मेरी स्टोरी दुनिया के सामने यहां है तुम्हारा पेन ड्राइव जो करना है करो नहीं नहीं बाबा जी नहीं इस लड़की को कोई अधिकार नहीं है कि आप पे कीचड़ उछाले यही है सारी मुसीबत की जड़ मैं गलत थी नीरजा इनफैक्ट हम दोनों ही तूने जब वो फाइल मुझे दी ना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई सोचा एक्सपोज कर दूंगी बाबा जी को लेकिन कल बाबा जी की बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं कितना गलत कर रही हूँ हम कितना गलत कर रहे हैं बाबा जी ने तो कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं और वो औरत तो उनकी वाइफ ही है ये तो कोई स्कैंडल भी नहीं हुआ तुझे एक और बात बतानी थी पापा जी का वीडियो मैंने पेन ड्राइव में कॉपी किया था आई नो तुझसे पूछे बगैर नहीं करना चाहिए था एनीवे हियर इज द पेन ड्राइव अब तू डिसाइड कर कि क्या करना है तरफ है बाबा जी का एक झूठ और दूसरी तरफ है उनके इतने सारे भलाई के काम नीरजा को बाबा जी का कौन सा रूप समाज को दिखाना चाहिए एक नई आवाज हाँ बोलिए नमस्कार सर मेरा नाम निहाल मानवटकर है कहां से मैं देवास एमपी से हूँ अगर उसकी इसमें कुछ मतलब बुराइयां हैं खामियां हैं तो वो लोगों को पता चलनी चाहिए इन्होंने हेल्प की तो क्या ये सब चीजें तो कर ही रहे ना अभी तक जो देखा मैंने तो इसका क्या मतलब हुआ फिर
एक मिनट उन्होंने भी तो की थी। इनको माइक दीजिए। अगर जो एक इंसान कुछ अपना फिजिकल रिक्वायरमेंट है या अपनी खुद की वाइफ है, व्हाटएवर इट वाज, लेकिन समाज की इतनी हेल्प करता कौन है? कौन सब अपने बारे में सोचते हैं भैया, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैं वो कर रहा है। सुनिए मैं भी वही बोल रहा हूँ। लेकिन ने भी यही कहा था कि अगर जो किसी झूठ से दुनिया का भला हो तो झूठ नहीं है। मैम सत्य तो सत्य होता है ना। एक मिनट हाँ जी, हाँ जी, हेलो। मेरा नाम श्यामल है। हाँ, मैं साउथ इंडियन हूँ। बोलिए। एक झूठ के पीछे 100 झूठ तैयार करना पड़ेगा उसको। नहीं करना पड़ेगा। मैडम बोल रहे हैं कि एक झूठ बोलने के पीछे 100 झूठ बोलना पड़ता है। बाबा ने क्लियर कट बोला कि ये तुम्हारे सामने मैंने रख दिया प्रूफ जो तुमने रिकॉर्ड किया है। अभी तुम्हारा डिसीजन है तुमको क्या करना है। तो नीरजा को मतलब मेरे हिसाब से नहीं दिखाना चाहिए। ओके, अगर समझ लो मेरी शादी हो गई, उसके बाद जाके अगर मेरे अंदर ऐसा आए कि भाई मैं अपना सब कुछ छोड़ के समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और फिर अगर मैं ये करके वाकई ही समाज के लिए अपना सब कुछ दे दूँ, तो फिर क्या मेरा पर्दाफाश होना चाहिए या नहीं? नो, नो। एक मिनट हाँ, आप यहाँ पे पर्दाफाश होने की बात ही नहीं है। अगर ये बात इतनी छोटी सी है तो उसे बाहर आ जाने दीजिए। अगर वो आज ये स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद उसका रिजल्ट अगर लोगों को नहीं बताती है तो जिंदगी भर वो अपने आप को वो गिल्टी फील करेगी, क्योंकि उसे लगेगा जो एक्चुअल जो सच था वो उसने लोगों के सामने नहीं पहुंचाया है। एक मिनट अभी भी कौन कौन है जो सोचते हैं कि उसको सच छुपाना चाहिए? सर छुपा के कोई फायदा ही नहीं है। एक मिनट इनको दीजिए। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया सर, वो आदमी ने एक छोटी गलती की है। इन्होंने किसी दूसरे के साथ में कुछ नहीं अफेयर किया, घर के अंदर किया है, बाहर नहीं किधर मुंह मार के आई। इनको माइक दीजिए, मेरे को डर लग रहा है इनसे। हाँ बोलिए। अच्छा सर, उन्होंने पहली बात तो पर्दाफाश करना चाहिए बिकॉज वो उनकी वाइफ है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो और आपको वो सही लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपने वो छोटी सी चीज सामने लानी चाहिए, बिकॉज उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एक मामले में नहीं, दो मामलों में। सर आप माइक पे बात करिए। सर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बाबा जी ने दो मामलों में अधर्म किया है। क्या? सबसे पहला धर्म उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो सात फेरे लेके धर्म की निभाने की बात कही थी, उससे अधर्म कर दिया उन्होंने। क्यों? वो तो धर्म फिर भी निभा रहे हैं। नहीं, वो धर्म ना हुआ। दूसरा धर्म उन्होंने झूठ बोल के, एक साधु संत और जो होगा वो झूठ की बुनियाद पे अगर जनता को भला कर रहे ना, ना ना कोई भला नहीं, झूठ झूठ की बुनियाद पे बना हुआ मकान है, चाहे सन्यासी का हो चाहे किसी का हो, वो गिर जाएगा। गाय मुझे एक चीज बोलने दो सब लोग, इसके पहले कि हम आगे का दिखाएं, एक बार फिर से आपके पास आते हैं जो पहले से सिर्फ एक ही बात बोल रही हैं। अब आप अपना ओपिनियन शेयर करें। मेरे हिसाब से उसको नहीं दिखाना चाहिए। इतने फैमिली अगर पाल रहे हैं तो अगर अपने उसको थोड़ा सा छुपाया तो कोई गलत नहीं किया उन्होंने। एक मिनट गाइस, झूठ बोलकर शायद कोई और धंधा किया जा सकता है, पर क्या झूठ बोलकर सत्य का धंधा भी किया जा सकता है? आइए साथ मिलकर देखते हैं नीरजा क्या फैसला लेती है। So what's going on guys? मैं 3 दिन से रिपोर्ट की वेट कर रहा हूं। कुछ पता चला? एनीथिंग फिशी, एनीथिंग एक्साइटिंग? आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल सही थी, और ये रहा प्रूफ। सर बाबा जी रात किसी औरत के साथ बिताते हैं, उनका कहना है कि वो उनकी वाइफ है। अगर पत्नी के साथ ही रिश्ता बनाना था तो फिर दुनिया के सामने ब्रह्मचारी होने का ढोंग क्यों? अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़ता है।
लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती सा। गलत रास्ता आखिरकार गलत ही होता है, फिर चाहे उसका मकसद कितना ही सही क्यों ना हो। Bang on. This is news. Let me see. This is fantastic. ये कल हमारी हेडलाइंस होंगी। जापा भक्तों के लिए भगवान का अवतार बाबा जी की असली सच्चाई आज दुनिया के सामने आ गई। आज दोपहर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाबा जी का एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें बाबा जी एक औरत के साथ पाए गए। औरत का कहना है कि वो बाबा जी की पत्नी है। हो गए खुश? यही चाहती थी ना? क्या मिला तुम्हें देवता जैसे इंसान को? आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। आप अभी इन्हें देवता मानते हैं बाबा? देवता यानी भगवान? पापा आज तक ना किसी इंसान ने भगवान को तो नहीं देखा, सत्यशील बाबा की। लेकिन इंसान को तो हम देख सकते हैं ना, जिसकी वही कमजोरियाँ, वही अम्बिशंस, वही स्वार्थ होते हैं। तो फिर ऐसा इंसान भगवान कैसे बन सकता है पापा? सबसे पहली और बड़ी गलती तो हमारी है कि हम ऐसे इंसान को भगवान बना डालते हैं। ऐसे इंसान को बाबा जी की पूरी कहानी सुनने के बाद मेरे दिल में भी एक दुविधा आई थी, लेकिन जैसे ही बाबा जी ने ये कहा कि वो एक गलत काम करके समाज की सेवा करना चाहते थे, समाज के लिए कुछ भला करना चाहते हैं, तो बस उसी वक्त मुझे यकीन हो गया कि ये एक धोखा है पापा। पापा आप ही ने तो सिखाया था कि भगवान दिल में बसते हैं, और जो इंसान खुद भगवान बन बैठे वो समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। ऐसा इंसान ब्रह्मचारी नहीं, भ्रष्टाचारी हो जाता है पापा। मैं दो लोगों की बात सुनना चाहूंगा। एक तो आपकी, आप हमेशा से कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय? क्योंकि हमारे भी जो गुरुमा जी लोग हैं उन्होंने 11 अपने जहाँ पर रह रहे हैं इस टाइम बनाया हुआ, जहाँ पर 11 राज बसाए हैं उधर के। अच्छा, तो ये नहीं कि हर बाबा एक जैसे नहीं होते, मैंने शुरू से ही बात बोली थी, अब लास्ट में भी बोल रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, आप बोलिए। मेरे हिसाब से अभी भी लगता है कि इन्होंने नहीं बताना चाहिए था, फॉर अ सिंपल रीजन कि भलाई वो लोगों की कर रहे थे, अब वो नहीं होगी। पर फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगी इसके साथ ही कि हर युग में, हर धर्म में, हर देश में गुरु और बाबा लोगों ने सिर्फ गुलाम बनाने के लिए काम किया है, और यही उन्होंने भी किया। आस्था रखने में और किसी के पीछे आंखें बंद करके चलने में फर्क होता है। विश्वास और अंधविश्वास में फर्क होता है। विश्वास आपको अपनी शक्ति का एहसास दिलाता है, और अंधविश्वास आपको किसी और शक्ति पे भरोसा करने को कहता है। डिसाइड आपको करना है कि खुद को पावरफुल बनाना है या फिर किसी और पे डिपेंडेंट रहना है। यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ नई क्रॉस रोड पर। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।